नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स पंडा भाई आलोक सोती। एक प्लेलिस्ट है पूछता है इंडिया, जिसमें आप देखते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ये कन्याकुमारी नहीं, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से तेजा जी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा। तेजा जी, अभी आप जो हैं काफी छोटी क्लास में हैं, लेकिन जो सवाल लगा रहे हैं ये आप जब इंटर करेंगे फाइनल में, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, जिसमें आप ब्यूस्टर लॉ पढ़ेंगे। ब्यूस्टर लॉ इस पे आधारित है, क्योंकि आपने पूछा है, थोड़ा सा आपको स्नेल लॉ आता है, इसलिए ब्यूस्टर लॉ को भी हम ब्रीफ कर देंगे, काम बन जाएगा। अगर ये मान लीजिए कोई इंटरफेस है, लाइक यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, इसका इंटरफेस है, तो जो भी लाइट आएगी इंसिडेंट करेगी, अब हमको मालूम नहीं कितना आप पोलराइजेशन के बारे में समझते हैं, तो कोई भी लाइट जो अनपोलराइज लाइट जब किसी इंटरफेस पे सरफेस पे टकराती है तो दो फिनोमेना होते हैं। क्या? एक तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यानी लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और आपने देखा है रेयर से डेंसर में जाती है, तो ये जो नॉर्मल किरण है इसके पास आ जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है अनपोलराइज लाइट का, और ये जाहिर सी बात है रिफ्लेक्टेड है, तो रिफ्रेक्शन हुआ हमने आर मान लिया, और यहां लाइट रिफ्रेक्ट कर गई है तो उसको आर डैश मान लिया। तो आप कह सकते हैं कि जब कभी कोई अनपोलराइज लाइट, यानी कि जिसके कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो है एक तरीके से, लाइट तीनों दिशाओं में है, एक्स वाई जेड में है, तो जब ये करती है तो ये जो रिफ्लेक्टेड है एक विशेष एंगल पे, ये फिक्स है कि एक पार्टिकुलर एंगल, इंसिडेंट एंगल एक पार्टिकुलर एंगल, उसी एंगल को ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं, जब उस पे टकराती है तो बड़ा अच्छा फिनोमेना देखने मिलता है। ये इधर जो रिफ्लेक्टेड हुई है ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट हो जाती है, ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि वाइब्रेशन जो है उसके परपेंडिकुलर टू द मीडियम होंगे, ये भी पोलराइज हो जाती है, लेकिन ये पार्सली पोलराइज हो जाती है, ये पार्सली पोलराइज हो जाती है। और इसमें ब्यूस्टर साहब का क्या योगदान था? ब्यूस्टर साहब ने कहा कि अगर कोई अनपोलराइज लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा हो कि जब ये रिफ्लेक्टेड है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये जो रिफ्रेक्टेड रे है ये पोलराइज्ड हो जाए, इसकी जो लाइट्स हैं वो रे जो है वो पोलराइज्ड हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे और ये। और एक चीज और बताई थी, एक कंडीशन जिसको आपने थीटा कहा था, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री का होता है, ऐसी स्थिति में कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना हो कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड रे हैं इनके बीच में अगर आप ये अगर परपेंडिकुलर हो, यानी थीटा 90, आपके क्वेश्चन भी थोड़ा सा उलझल दिया है, तो आप कहते हैं ब्यूस्टर लॉ कहता है जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो जो है 10 टाइम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होता है। ये आपका ब्यूस्टर लॉ है। ब्यूस्टर लॉ कहता है कि अगर कोई अनपोलराइज लाइट एक पर्टिकुलर एंगल जिसको ब्यूस्टर एंगल कहते हैं इंसिडेंट करती है, तो जो दो रे मिलती हैं रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड वो पोलराइज्ड होंगी। नंबर वन, ये कंप्लीटली होगी, ये पार्सली होगी, गेट में पूछा गया था इस बार भी, और उनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तब ब्यूस्टर लॉ लगा देना कि अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए तो आप कह दीजिएगा ये बराबर जो एंगल पे इंसिडेंट हुआ जिस पे ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है उसका टेंजेंट ले लेंगे। आपके यहां म्यू दिया था और ये दिया था थीटा 90, क्वेश्चन को ठीक कर लेना। आपके यहां म्यू दिया था, आई पूछा था कि अगर ये थीटा 90 डिग्री है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है तो आई बताओ, तो आपने कहा तो ब्यूस्टर लॉ लग रहा है।
अब आपने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप बड़े खुश हुए, कहने लगे I बराबर tan inverse म्यू हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन आपके यहाँ दिया नहीं गया था, ये ऑप्शन जो है आपको नहीं दिया गया था, तो आपने कहा ठीक है भाई, छोटा कंपटीशन है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1/μ लिख सकते हैं, तो इसको 1/tan i लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 1/tan i को क्या लिख सकते हैं आप, cot i लिख सकते हैं, अब i निकाल सकते हैं, तो i इज इक्वल टू cot इनवर्स क्या हो जाएगा 1/μ। ये चीज आपका ऑप्शन दिया था, ये ऑप्शन को आपको टिक कर लेना था, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो इसलिए आपने पोलराइजेशन नहीं पढ़ा है और ब्यूस्टर्स लॉ को अभी नहीं पढ़ा है, ठीक।